पंजाब के अलग अलग हिस्सों में आने वाले 2 दिनों में हल्की और मध्यम बरसात हो सकती है। हालांकि सितंबर माह के पहले 5 दिनों में ही महीने की नॉर्मल बरसात का रिकॉर्ड टूट गया है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर प्रभजोत कौर सिद्धू के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में हल्की और मध्यम बरसात होने की संभावना है। PAU की ऑब्जर्वेटरी में वीरवार सुबह 30.4 mm बरसात रिकॉर्ड की गई, जबकि 1 सितंबर को 100.8 mm बारिश हुई थी, जो सितंबर माह में 101 mm की नॉर्मल बरसात से अधिक है। हालांकि यह बरसात धान के लिए फायदेमंद है, लेकिन सब्जी उत्पादक किसानों को बरसात के बाद जितना हो सके अपने खेतों से पानी निकालने की अपील की जाती है। जी सू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो जानकारी मिली है, वो अकॉर्डिंगली मानसून का एक्टिव फेज है, वो कारण पूरे पंजाब दे विच एक तो बदलवाई वाला मौसम आने वाले तकरीबन 2 तो 3 दिन तक रहेगा, नाल दे नाल किते किते लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की भी फोरकास्ट हैगी है। लुधियाना साड़ी ऑब्जरवेटरी विखे अज सवेरे जी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुई सी रेनफॉल, वो 30.4 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। ये ना पिछले दिनों 1 सितंबर में भी जी रेनफॉल हुई सी उस दिन हुई सी 100.8 mm, तो मिला के 131.2 mm रेनफॉल सितंबर महीने की 1 से 5 तक हो गई है। सितंबर महीने की एक्चुअली नॉर्मल रेनफॉल 101 mm हैगी है, सो ऑलरेडी पहले 5 दिन के विच ही अबव नॉर्मल रेनफॉल हो गई है। अजे जिहड़े आने वाले 2 से 3 दिन ने इहदे विच लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की फोरकास्ट हैगी है, एंड उहदे बाद थोड़ा जा सिस्टम वीक होन गया है। जिहड़ी ए वाली रेनफॉल फिलहाल हो रही है इहदे ते साडे झोने की जिहड़ी फसल है उहदे ते फायदेमंद ही है, क्योंकि इस वेले जिहड़ी बारिश होंदी है झोने लई चंगी होंदी है। जिहड़ी क्योंकि अगस्त महीने भी जिहड़ी 14 अगस्त के आस पास बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई सी, फिर पानी भी छड्डिया गया सी, उहदे नाल सब्जियां ऑलरेडी काफ़ी हद तक ज़्यादा पानी करके उन्होंने नुकसान होया। सो जिथे कितें किसान वीर अपने खेत चो पानी कट सकते ने, साडी इही एडवाइजरी है कि तुसीं उन्हों निकासी करो ता जो तुहाडी फसल नूं बचाया जा सके।